गढ़वारा के श्री वृंदावन गार्डन में गढ़वारा रोटरी क्लब और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की पूर्व संध्या पर एम्स के डॉक्टरों के सम्मान में गजल का कार्यक्रम रखा गया। गजल गायक मनीष शुक्ला के द्वारा बहुत ही शानदार गजल की प्रस्तुति दी गई। सभी लोगों का मन मोह लिया। गजल प्रोग्राम को उत्सुकता के साथ सभी लोग सुन रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे। रोटरी क्लब के मिनेंद्र डागा ने कहा, गाडरवारा में रोटरी क्लब 22 सालों से मानव सेवा भाव के साथ काम कर रहा है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, यह हमारे तीन बिंदु हैं। साहित्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य किए। ज्यादातर स्वास्थ्य के संबंध में कैंप लगाए गए हैं। एम्स के डॉक्टरों का गाडरवारा में आना ही अपने आप में गौरव की बात है। रोटरी क्लब का ये कैंप बहुत मेहनत के बाद हम लोगों को हासिल हुआ है और मेरा निवेदन है, नगर के आसपास के ग्रामों के सभी लोगों से निवेदन है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी जो भी बीमारियां हैं उसके निदान के लिए डॉक्टरों से संपर्क करें और उचित सलाह लें, उचित इलाज लें। ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर भी हम लोग ले जाने के लिए तैयार हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का ही समय है, उसी टाइम के अंदर सभी लोग उपस्थित हों। देखिए, निश्चित रूप से लगभग 22 साल से गाडरवारा में रोटरी क्लब सेवा के महत्वपूर्ण कामों को अंजाम देता आया है, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, पर्यावरण, ये हमारे तीन बिंदु शामिल हैं। साहित्य में भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमने काम किया है तो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। उसी तारतम्य में 3 साल से हम लोग प्रयासरत थे कि एम्स की टीम का गाडरवारा में आगमन हो। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन तमाम डॉक्टर्स का, एम्स के, और उन तमाम स्टाफ के लोगों का, जिन्होंने इस गाडरवारा जैसी बहुत छोटी सी जगह में, इस ओसो की धरा पर, अपना महत्वपूर्ण समय, अपना सेवा के प्रति समर्पण का भाव लेकर वो गाडरवारा पधारे। तो उसी तारतम्य में आज हमने उनके सम्मान में यहाँ एक गज़ल का कार्यक्रम, चूँकि सुबह हमारा कैंप आज स्टार्ट हो रहा है, तो हमने एक गज़ल का कार्यक्रम उनके सम्मान में रखा है, उनके मान में रखा है। और कल जो हमारा कैंप हो रहा है, ये पूरे गाडरवारा के लगभग 300 गाँव में हमने इसका लगभग प्रचार प्रसार किया, और कल बड़ी संख्या में यहाँ मरीज लाभान्वित होने वाले हैं। और बहुत बड़े रूप में सारे डॉक्टर, सारे फैकल्टी के डॉक्टर हमारे यहाँ पर एम्स की द्वारा यहाँ पर आए हैं। और कल का जो कैंप है वो ऐतिहासिक कैंप होने जा रहा है। सारे रोगों के निदान के लिए यहाँ रोटरी क्लब ने दवाओं की व्यवस्था की है, मरीजों की भोजन की व्यवस्था की है, सवेरे नाश्ते की व्यवस्था की है, और तमाम वो सुविधाएं हमने देने का प्रयास किया है कि अगर कोई ऑपरेशन के लिए मरीज निकलता है तो हम उसको भोपाल भी पहुंचाने का प्रयास हमारा रोटरी क्लब के माध्यम से होने वाला है। और इस कैंप का मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग रह गए हैं उनसे निवेदन है कि हमारा कैंप सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होने वाला है। तो इस सेवाभावी कैंप का, इस बहुउपयोगी कैंप का, आप स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होकर और इस कैंप का, एम्स की टीम का आप सब लाभ लें, यही निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। गटरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।